होने वाली है बारिन इज मिडल ईस्ट एंड इट्स माई फोर्थ ईयर विद कंट्री क्लब तो आई थिंक उनके जैसा बेस्ट होस्ट होता नहीं है एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू नो परफॉर्म एज वेल एज सेलिब्रेट माई 31st विद कंट्री क्लब तो लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज अभी तक मैंने जितने परफॉर्मेंसेस किए हैं वो इंडिया में किए हैं जयपुर लखनऊ बैंगलोर बट दिस टाइम आई विल बी परफॉर्मिंग फॉर द मेम्बर्स ऑफ कंट्री क्लब इन बारेन सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट माय फंडा इन लाइफ इज क्लियर आई वुड लाइक टू स्पेंड माय 31st विद माय बॉयफ्रेंड एंड माय फैमिली बट इट ऑल डिपेंड्स बिकॉज वो एक रियलिटी शो में है मैं चाहती हूँ कि वो रियलिटी शो में भी अच्छा करे तो जो भगवान करेगा दैट विल बी फाइन मुझे कुछ नहीं पता बिकॉज वो एक रियलिटी शो है मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ एंड इट इज़ द बेस्ट रियलिटी शो ऑफ इंडिया मेरा पहला रियलिटी शो था तो वो शो में मैंने काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी एक्सपीरियंस करी थी सो ये शो किसी को बना सकता है एंड आई रियली होप कि ये संग्राम के लिए पॉजिटिव हो जीतना हारना जैसे मैंने बोला मैं भगवान नहीं हूँ इसे कुछ भी मैं अभी कंट्री क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ 27 में संग्राम सिंह है और कुछ हम लोग वैसे अपने परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस साल बहुत मज़ा आने वाला है अहमदाबाद में परफॉर्म करने वाली हूँ बहुत सारे गुजराती ऑडियंस होगी मुझे किसी ने बताया कि शराब पीना वहाँ पे अलाउड नहीं है तो अच्छा है ना सबका ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा और जहाँ श्रद्धा शर्मा हो वहाँ किसी और नशे की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो मेरा फेवरेट है जलेबी बाई उस पर मैं परफॉर्म करने वाली हूँ दूसरा फेविकॉल मेरा बहुत फेवरेट गाना है उस पर परफॉर्म करना और इसके अलावा मैंने इस बार सोचा हुआ है कि कुछ जेनिफर लोपेज़ या शकीरा के कुछ सिलेक्टेड डांसिंग नंबर्स जैसे दिस सॉन्ग विच शकीरा बिकेम फेमस एंड ऑल द वर्ल्ड लव्स हर बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग That number I'm going to perform on that. And then I'm sure Ahmedabad people are going to love me and I'm going to get a lot of good response because पहले भी मैंने जितनी बार परफॉर्म किया है पिछली बार लखनऊ में परफॉर्म किया उसके पहले और भी कई सिटीज़ में परफॉर्म किया तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे कितने सारे मेल्स आए लोगों ने मुझे लेटर्स लिखे मेल्स लिखे आफ्टर माई परफॉर्मेंस एंड आई एम श्योर इस बार अहमदाबाद भी मुझे उतना ही प्यार देने वाला